तो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका आज के इस बड़े मुकाबले में। बड़े बड़े नाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मुकाबले में। T10 लीग का ये मेला हमने आपके लिए सजाया हुआ है, तो हम दिखाते हैं आपको सिर्फ लास्ट के कुछ ओवर्स ताकि आप देखें छक्के और चौके, 12 गेंदे 35 रन, AB डिविलियर्स और सुपरमैन। ओ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लपक लिया कैच, बढ़िया वापसी, यहाँ पे आते ही दबाव डाला है बैटिंग लाइन के ऊपर, विकेट चटकाया और वापसी भेजा है सेट बल्लेबाज को। शहरोज सुपरमैन काफ़ी अच्छी बढ़िया बैटिंग कर रही थी पूरे इस इवेंट में, लेकिन अब दोबारा से जिम्मेदारी पूरी आ चुकी है AB डिविलियर्स के ऊपर। एल्डो ये भी काफ़ी बढ़िया बैटिंग करते हैं, काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट रहा है इनके लिए भी, लेकिन स्ट्राइक आ चुकी है। अच्छी अच्छी खबर ये है न्यूयॉर्क के लिए कि AB के ऊपर है स्ट्राइक। भाई AB डिविलियर हैं और इनको आप कहीं भी गेंद डालिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मिड ऑन की तरफ 4 रन के लिए खेला गया ये जबरदस्त स्ट्रोक। तो अब 10 गेंदे 31 रन, देखते हैं कौन जीता है ये बड़ा मुकाबला। ओह माय गॉडनेस, दिस इज प्योर क्लास ऑफ AB डिविलियर्स, इसीलिए इनको कहा जाता है सुपरमैन, मिस्टर 360। पहले खेला लॉन्ग ऑन की तरफ, उस बार खेला मिड ऑफ की तरफ, जबरदस्त बल्लेबाजी। इस प्रकार के शॉट देखने को मिलेंगे। तो भाई यहाँ पे 3 बाउंड्रीज लगा चुके हैं ये AB डिविलियर्स हैं, ये किसी को नहीं छोड़ते। तो अब 8 गेंदे 23 रन, दबाव है भाई, मक्का है, आखिर बॉल कहाँ पे डालें, सामने है AB। भाई ये तो होगा, अगर सामने AB डिविलियर्स जैसे बल्लेबाज होंगे तो भाई विश्व के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं ये। अब मात्र 19 रन यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, तो देखते हैं क्या अगर आखिरी बॉल पे भी बाउंड्री लगाने में कामयाब होते हैं तो यकीनन मैच पूरा जाएगा बैटिंग लाइन की तरफ। ओहो बढ़िया शॉट, ये बढ़िया शॉट है, एक और बाउंड्री यहाँ पे आखिरी ओवर में मिलेगी। ओ माय गुडनेस, यहाँ पे क्रिस गेल खुद आ चुके हैं, 6 गेंदे 15 रन, देखते हैं। रिवर्स स्वीप, बढ़िया शॉट, गैप तलाश करने में कामयाब हुए हैं, 4 रन मिलेंगे। तो 5 गेंदे 11 रन आते ही यहाँ पे खाता खोला है 4 रन के साथ। ये बढ़िया गेंद देखिए निकल गई 4 रन के लिए, आउटफील्ड काफी यहाँ पे तेज है जिसका भरपूर यहाँ पे फायदा उठाया। तो अब सिर्फ 4 गेंदे और 7 रन चाहिए। ये भी बढ़िया शॉट है लॉन्ग ऑफ की तरफ, यहाँ पे क्रिस गेल ने ये काफी खराब डिसीजन लिया था क्योंकि बॉलर्स इनके पास मौजूद थे, लेकिन 15 रन भी काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन उसके बावजूद खुद आए बॉलिंग करने। तो 3 गेंदे 3 रन, ओ क्या ये कैच आउट हुए, जी नहीं, पेट से बॉल टकराया। तो अब सिर्फ 2 गेंदे 3 रन, देखते हैं क्या होता है। ओ बढ़िया शॉट खेलने में कामयाब हुए, पीछे बोलर के सर के ऊपर से 4 रन, और ये न्यूयॉर्क ने अपना नाम कर लिया ये मुकाबला, क्रिस गेल को आड़े हाथों ले लिया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना।